नाम की कोई चीज नहीं, न स्टाफ है मेरे पास, न डॉक्टर है। बहुत एक बार मरीज को शिव चिकित्सा लोहारू के अंदर लेकर गया, वहाँ एक सहारे वो रात के समय कोविड रोग के पास, और ये सब प्रोव करना रखे बड़े हॉस्पिटलों के नाम से कोविड से इसका और देश का रह सकते हैं। मैं आंकड़ा चाहता हूँ कि आप इसको वो डोर्स ये इंदौर बंसीलाल मरीज का निर्माण यह करवाएं, और वहाँ जितनी मेडिकल स्टाफ है वो कमी है पूरा करें। अच्छा बात सुनिए, वो भी मेरे पास नहीं आती मुझे, आपने एक काम करना है, दीवानी भी लोग हैं। हाँ तो आपने जो है आपने एक काम करना है, दीवानी में अमर सिंह जी आप हैं, स्टेशन लिखा है अपने सारे जितने भी अपने दीवानी के जितने भी अपने के लिए काम कर सकते हो। एक तो ये जो आपने बताना है कि कितने कमी है, कितने ठीक है ना, हमारे वेंटिलेटर है ठीक है ना, तो ये कितने वेंटिलेटर की अपने कमी है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और कितने पेशेंट्स का जो है वो ठीक होने का, वो धीरे जो आपने दे रहे हैं वो अपने चलते रहेंगे, क्योंकि आप फिर उसके बाद फिर मैं डीसी से बात करूँगी। डीसी का एक आया है कि भिवानी के अंदर सपोर्ट जो है 48% रह गया है, बाकी उनसे कम हुआ है ये वो कह रहे हैं। तो आप मतलब हमारे को इसके ऊपर पहली नजर रखनी है कि जो आप कह रहे हैं सही है या नहीं, हम इसके ऊपर इस तरह से काम करेंगे, समझ रहे हो। तो आप लोग ये सारा का सारा जो है ये पता करके अगली मीटिंग जो है परसों जो अपन लेंगे उसमें आप मुझे ये सारी बात बताइएगा, ताकि फिर वो टीम में आपके सामने फोन करके मैं पूछ लूँ, ठीक है। और इसमें कोई सुझाव कोई देना चाहता हो, सुझाव देना चाहता हो जो मैंने बात कही है, आप बताओ। गाँव के अंदर बहुत ज्यादा ये फैल गया है और टेस्टिंग बिल्कुल नहीं है गाँव में, तो एम्बुलेंस वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं एम्बुलेंस तो नाम पास है, दो तीन वो केवल फायर सेंटर के लिए ले जाने के लिए है। अच्छा, और एम्बुलेंस गाँव के लेवल पे टेस्टिंग, गाँव के लेवल पे टेस्टिंग बढ़वाओगे, गाँव के लेवल पे टेस्टिंग बढ़वाओगे टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग का आपको आपको कोई शेड्यूल दिया है? शेड्यूल नहीं है मैडम, लोगों का टेस्ट तो हो नहीं रहा, जब आप 2 घंटे नौ से ग्यारह महेंद्रगढ़ में केवल 9 से 11, 2 घंटे टेस्ट करते हैं, लंबी लंबी कतार रहती है, लोगों के टेस्ट हो नहीं पा रहे और लोग प्राइवेट लैब में। तो प्रशासन का क्या कहना है, क्या आप लोगों ने बात करी, क्या कहते हैं? हाँ प्रशासन से भी बात की थी, वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई कोई शेड्यूल नहीं दिया है उन्होंने, कुछ नहीं शुरू हुआ बिल्कुल नहीं। मेजरगंज के अंदर 2 घंटे 9 से 11 टेस्टिंग करती है, उसमें लोगों के नंबर नहीं पड़ते, कोरोना की संख्या ज्यादा बढ़ गई और गाँव में उस पर टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। बात हो रही है वहाँ महेंद्रगढ़ में, ये गांव लेवल की टेस्टिंग जो है कितनी देर तक करवा रहे हैं ये पता करो। सीएससी में करवा रहे हैं 2 घंटा का, 2 घंटा हर एक गाँव में कर रहे हैं, केवल सीएससी में है, सिविल हॉस्पिटल मैनेजर में, सिविल हॉस्पिटल मैनेजर में कर रहे हैं। अच्छा सिविल हॉस्पिटल में कर रहे हैं, गांव में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, गांव में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। तो ये पता करना है कि गांव में इनकी टेस्टिंग का इनका शेड्यूल है या नहीं है, जैसे आपने बापुड़ा में करवाया है उधर भी इनको करना चाहिए, आपने अपने मैंने अपने इलाके के अंदर करवाया है गाँव के अंदर जो है, ताकि वहाँ जाके वो जो है टेस्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं बापुड़ा जैसे गाँव, तो आपका भी मैं पूछ लूँ।
ठीक है ना। और कोई बात सत्य में एक मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ ये सत्य जी ये चुकिया गांव में कितने अभी तक केसेस हैं? हाँ वो गांव में थर्टी एट अभी एक्टिव केसेस हैं या फोन हो गए मतलब एक्टिव अभी अभी इंफेक्टेड है 38 लोग होते चली जाएगी काम करा है। ये सारे गांव वाले अगर इस तरह से मिलकर
अपने आप ही देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार के भरोसे तो अब रहो मत। और वो जो मैंने वो एडीसी को कहा था वो पैरामेडिक स्टाफ देने के लिए, वो मिल गया आपको? चार नर्स और एक डॉक्टर आए हैं। आ गए है ना? चलो चलो, तो आप अपना अपने अच्छी तरह से ध्यान रखो। आपको मैं बताना चाहती हूँ आगे ये आप लोग सब सुनते हैं, सेवा गाँव के अंदर सबने मिलकर अपना एक जगह पर आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, और वो आइसोलेशन सेंटर सारा का सारा जो है, जो जब तक जिसको आइसोलेट करना होता है कई बार घर में नहीं हो पाता, खाने पीने का इसका उसका, वो सारा का सारा देखभाल करते हैं। तो अपने गाँव के अंदर ये पहल आप लोग पाँच सात लोग सारे मिलकर कर पाए, तो फिर मैं जो है डीसी से मैं बात करूंगी, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो देखभाल करने के लिए उनको बोलेंगे, वो आपके पास भी मिलते हैं अगर आप लोग ये काम कर सकते हो अपने गाँव के अंदर। चार नर्स, हाँ चार नर्स और वो आ गई है ना? हाँ ठीक है, चलो भगवान करे सब स्वस्थ हो सारे निकले। अब आगे चलते हैं, और किसका हाथ खड़ा हुआ है? हेलो लिसन कर रहे हो? आई कांट सी ओनली किसी खड़ी है, सबका टिका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का, बहन जी का आपका। ठीक है कृष्ण, धन्यवाद।
इसी तरह से आप लोग कोई और अपने गांव में कुछ करना चाहते हो और सारे इकट्ठे होके कभी करें तो वो हमारे को बता दीजिएगा, फिर मैं आगे डीपी से और इससे बात कर लूंगा। हाँ अच्छा, और बताइए, हाथ उठाओ, उंगली उठाओ, कौन बोलना चाहता है, उंगली उठाइए। हाँ राजू बोलो, अनम्यूट करो अपने आपको, अनम्यूट करो। हाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपने यहाँ डॉक्टर है, यहाँ सिर्फ दो पीजी स्टूडेंट की जिम्मेवारी लगाई है दादरी में, सीटीसीएन की बड़ी कमी है दादरी के सिविल हॉस्पिटल में, कोविड सेंटर दो सेंटर बने हुए। क्या कमी है? फिजिशियन की, फिजिशियन डॉक्टर की। अच्छा फिजिशियन है ही नहीं? हाँ फिजिशियन नहीं, सिर्फ दो पीजी स्टूडेंट की जिम्मेवारी है, डॉक्टर का है नहीं इनके पास। हाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की बड़ी लूट है। अच्छा प्रशासन ने एक फैसला ली की 250 रुपये में सिटी स्कैन हो गई। अच्छा आप भी जानते हैं आरटीपीसीआर में नेगेटिव आया था, उसके बावजूद भी पेशेंट है ना कोविड की वजह से मर जाते हैं। हाँ। उसके लिए सिटी स्कैन जरूरी है और सिटी स्कैन की सीधे 5500 रुपये लेते हैं। अच्छा आम आदमी के बस का नहीं है। आप डीसी अपने भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ तीनों जगह आप बात करेंगे ना, अगर रोहतक प्रशासन 1950 रुपये में करवा सकते हैं तो यहाँ वाले भी करवा सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। ये कितना दे रहे हैं ये आपको अभी? ये 5500 है। 5400 है? 5500 है। 5500। अच्छा और रोहतक में कितना हो रहा है? रोहतक में 1950 रुपये। अच्छा हाँ तो कितना फर्क है, तो यहाँ वाला प्रशासन भी करवा सकते हैं इस बात को। ये लिखा भाई, ये नोट करा। ये जो आप बता रहे हो ये जो अंतर है जो स्कैन में 950 का और 5500 का, ये सिविल हॉस्पिटल का अंतर आप बता रहे हो? ये नहीं, प्राइवेट वालों को ही। प्राइवेट का बताओ। हाँ प्राइवेट वालों को बोल दिया कि कैप लगा दी कि आप इससे ज्यादा नहीं लोगे, तो जब रोज तक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो अपने भिवानी महेंद्रगढ़ भिवानी दादरी वाले कर सकते हैं। और ये प्राइवेट वाले ये सारे लगा पक्की बात है ये ले रहे हैं? हाँ सारे ले रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में? वेरी गुड। सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ भी हमें ये मेरी डीसी से बात करवा, डीसी दादरी से बात करवा, अभी करती हूँ, अभी अभी करते हैं। दूसरा क्या है जो ये कह रहे हैं कि हम किट देते हैं, सिर्फ दवाई वाली किट मिल रही है, ना तो ऑक्सीमीटर मिल रहा है, ना स्टीमर मिल रहा है, ना मनु तेल मिल रही। इन्होंने क्या किट में क्या क्या देते हैं? 15 आइटम बताए इन्होंने, चीफ सेक्रेटरी का लेटर है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि ये 15 आइटम हम देंगे। अच्छा। तो 8 आइटम है ये मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल वाले देते हैं। हाँ। और बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको परचेज करके देगा डीसी। अच्छा डीसी को इन्होंने अलग अलग दे रखे की 3.5 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, ये जो को कहना पड़ेगा क्या है ये, फिर से बता, ये तो बिल्कुल। हाँ कि जो होम आइसोलेशन में रहेंगे उनको हम ये 15 चीजें प्रोवाइड कराएंगे ताकि हॉस्पिटल पे लोड ना आए। हाँ। ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे सिर्फ दवाइयाँ मिल रही हैं, ना ऑक्सीमीटर मिल रहा है, ना स्टीमर मिल रहा, ना अणु तेल मिल रही, ना डिजिटल थर्मामीटर मिल रही। मतलब बीच में इसका मतलब कोई खा रहा है ये तो? चलो ये दोनों चीजें ये मैं करती हूँ। और जहाँ तक अपनी बोलो, हाँ जहाँ तक अपनी पार्टी बात है, अपने यहाँ दादरी जो कोविड सेंटर है रेगुलर 10 दिन से हम वहाँ कोविड सेंटर वाले यानी जो पीड़ित है और जो उनके प्रिजन है उनके लिए पानी की सेवा शुरू करवा रखी, जितना भी पानी वहाँ पे लगे पीने का पानी, नहीं तो टैंकर से पानी डलवा रहा था प्रशासन ने, तो टैंकर के पानी का हाल क्या आपको पता ही है, तो पार्टी की तरफ से वो कर रखा है। टैंकर किधर बना हुआ है ये दादरी में? ये टैंकर उसे वो से पानी भरवा कर वो पिलाते थे इन पेशेंटों को भी। तो हम सीएमओ से मिले थे, सीएमओ बोले जी अगर ये पानी का प्रबंध आप करवा दो तो पानी का रेगुलर अपनी सप्लाई वहाँ कोविड सेंटर में अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ। अच्छा और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम भी, जितने भी लोगों से मिलते सोशल डिस्टेंसिंग करिए। तो ये आप जो भी बात करके फिर आप जिससे भी मिलेंगे ये जो है ये मैं बात करूंगी आपकी हाई होम आइसोलेशन में ये जो 15 चीजों की जो किट है वो आप एक काम करना व्हाट्सएप
के ऊपर जो है आप डाल दो कि कौन कौन सी चीजें जो उसमें आने वाली है और कौन सी मिल रही है और कौन सी नहीं मिल रही है। वो मैं आपको आप जिसको करना वो मैं चीफ सेक्रेटरी से मैं बात करूँगी। ठीक है, वाला ये जरूर करो। सिटी स्टैंड वाला ये मैं ये भिवानी में भी यही हाल है क्या? सिटी स्टैंड सब जगह ही इतना ही ले रहे हैं, सब जगह इतना ही मिलेगा, यही ले रहे हैं, 5,000 से कम कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी चीज आप उठा सकते हो स्टेट लेवल पे, कि जब सरकार ये करी कि ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, तो उसके बाद का भी 10,000 से लेकर 15,000 रुपए पर डे का ही, पर डे की लूट हो रही है, आम आदमी कहाँ से भरेगा? सरकार ये करके हम ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल को। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतना भारी चार्ज कैसे ले रहे हैं और सरकार ने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है? आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले कि भाई इतना आप ले सकते हो? प्राइवेट हॉस्पिटल तो लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल तो लेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री होता है ना, प्राइवेट तो नहीं। सरकारी में जगह ही नहीं है ना, डॉक्टर है ना जगह ही, वो तो विधानसभा में एक बार ही छोड़ो ना, कब से मैं बात उठा चुकी हूँ, ना डॉक्टर है ना कुछ है। बात ये है, आज श्रुति चौधरी ने जो 7 साल पहले मेडिकल कॉलेज जो बनवाया था, उसकी डलवाई थी 250 करोड़ रुपए डलवाए थे, वो आज अगर बन के तैयार होता क्यों? ये तो प्रशासन की तो बात ही छोड़ दो, अब अपने इनके भरोसे मत रहो, जो इनको जहाँ पकड़ा जा सकता हो, जो हाँ अपने आप काम कर सकते हो वो काम करो, अब इनके ऊपर आप छोड़ दिया तो बस हो गया काम, ये तो राम नाम ऐसे सब करना है ना, किसी का उसको करनी है। ओके, और ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। और कौन बोला?